रायपुर में थाना प्रभारी के साथ रहने वाले रिश्तेदारों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। टीआई को होम क्वारंटीन किए जाने के साथ ही थाने को भी सील कर सैनिटाइज किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुराना बस्ती थाना प्रभारी के सास ससुर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। दोनों 19 जून को बिहार के मुजफ्फरपुर से आए हुए थे। पेंशन 12 में टीआई के साथ उनके सास ससुर रहते हैं और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही थाना प्रभारी को भी होम क्वारंटीन कर दिया गया है। अब थाना प्रभारी के साथ सभी थाना स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही आजाद चौक और टिकरापारा थाना पुलिस को पुरानी बस्ती थाने का कामकाज देखने के आदेश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। लगातार राजधानी रायपुर में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ रहे हैं। वहीं थाना पुरानी बस्ती के टीआई राजेश सिंह के सास ससुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं पुरानी बस्ती थाने को यहां पर सील कर दिया गया है। और इसके अलावा जो थाने के बाहर बैरिकेड्स हैं उस पर लिख दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन थाना पुरानी बस्ती को बनाया गया है। तो इस तरीके से लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। और जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक जो पुरानी बस्ती थाने के टीआई हैं उनके सास ससुर 19 जून को बिहार के मुजफ्फरपुर से आए थे और उसके बाद से वो होम क्वारंटाइन पर थे। उन्होंने जांच कराया और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। हालांकि जिस तरीके से ये बात कल से सामने आ रही थी, उसके बाद से जो थाना प्रभारी हैं वो क्वारंटाइन पर गए हैं, क्योंकि थाना प्रभारी अपने सास ससुर के साथ पेंशन बाड़ा स्थित निवास पर ही रहते थे, तो इसलिए वो क्वारंटाइन पर चले गए हैं। इसके अलावा जो थाने के समस्त स्टाफ हैं उनका भी कोरोना यहाँ पर टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा जो पुरानी बस्ती सीएसपी है मनोज ध्रुव, वो भी अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। तो लगातार इस तरीके से अब आंकड़ा बढ़ रहा है, काफी भयावह जो स्थिति है वो रायपुर में होती जा रही है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रायपुर में कम्युनिटी स्प्रेड के खतरों